बच्चों, आज जो है हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन सी पुस्तकें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए आईआईटी जैम मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम के लिए। और जो भी टॉपिक वाइज मैं बताऊंगा आपको कि रियल की कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए, मॉडर्न के लिए कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए, लीनियर के लिए कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए, जो बुक्स हैं वो बहुत सारी अवेलेबल हैं मार्केट में। लेकिन यहाँ पर मैं बहुत सारी बुक्स के नाम आपको नहीं बताने जा रहा हूँ कि आप कन्फ्यूज़ जाओ कहाँ से करें कहाँ से ना करें। तो मैं हर टॉपिक की जो बहुत ही अच्छी बुक्स हैं, जो मैंने जितनी भी बुक्स पढ़ी उनमें से जो मुझे अच्छी लगी है, मैं वो रेफ़र कर रहा हूँ। हो सकता है कोई और को कोई और अच्छी बुक लगती हो, बट मुझे मेरे हिसाब से यही बुक्स आपको पढ़नी चाहिए टॉपिक वाइज। तो पहला जो है आपका टॉपिक वो है रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस की जो आपकी सबसे बेहतरीन बुक मुझे लगी, मैं नंबर वन के हिसाब से इसको बता रहा हूँ, मैं फर्स्ट रैंक देता हूँ इसको, ये है आपकी अपोस्टल की बुक आती है मैथमेटिकल एनालिसिस की। तो इसमें इस बुक की खासियत ये है कि इसमें आप ये समझ लो कि जितना भी आपका ग्रेजुएशन से लेकर के एमएससी का कंसेप्ट है, मतलब मैथमेटिक्स का जो भी है, उसका सब कुछ ही है इसमें। थोड़ा थोड़ा जितना ज़रूरी है, जितने एग्जाम्स में यूजुअली पूछे जाते हैं, उतना सब कुछ ही है। प्रॉपर्स एग्जाम्पल्स हैं, थ्योरम्स के प्रूफ्स हैं। तो ये बहुत ही अच्छी किताब आपके लिए है। कोई भी किताब जो मैं बताने वाला हूँ आपको, वो पढ़ना कैसे है कि आपको वो जो है, जो भी टॉपिक आपके जैम में हैं उसका सिलेबस देख लो आप पहले, उस बुक में वो टॉपिक कहाँ कहाँ हैं उनको जो है आप जो है टिक कर लो। उसके बाद सबके शॉर्ट नोट्स टाइप के बना लो। आपको थ्योरम के प्रूफ नहीं करने हैं, आपको एग्जाम्पल्स करने हैं, थ्योरम का एप्लीकेशन करना है एग्जाम्पल्स में। उस वो करने के बाद जो है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाएंगे। इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आपकी पहली बुक जो है रियल एनालिसिस की है, जो मैं बता चुका हूँ आपको, अपोस्टल की बुक है मैथमेटिकल एनालिसिस नाम से। जो सेकेंड बुक है जो मुझे सबसे अच्छी लगी है पर्सनली, वो बुक है बेसिक कोर्स इन रियल एनालिसिस। ये एस कुमारी सेन सर की बुक है और ये भी बहुत अच्छी बुक मुझे लगी है। इसको भी आप रेफर कर सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेक्टिव लैंग्वेज में लिखी हुई है, मतलब ये साधारण भाषा में लिखी है, आप कह दो कि समझ में आ जाएगी आपको बिना किसी की मदद के, ठीक है ना। आप खुद से समझ सकते हैं, ये ऐसी किताब है, आप ये रेफर कर सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड बुक जो है वो है अ कोर्स इन कैलकुलस एंड रियल एनालिसिस। अ कोर्स इन कैलकुलस एंड रियल एनालिसिस ये है सुधीर आर घोरपड़े की किताब, और इसके दो राइटर्स हैं बेसिकली, सुधीर आर घोरपड़े एंड बालमोहन बी लिमाए। ये बुक बहुत ही अच्छी लिखी हुई है। अगेन मैं कहूँगा कि ये भी बहुत ही इंटरेक्टिव बुक है। इसमें जो है जो भी आपकी डेफिनेशंस हैं या थ्योरम्स हैं, उसके पहले या बाद में कहीं ना कहीं पैराग्राफ्स में चीज़ों को समझाया है बहुत अच्छे से, जो कि आपको पढ़ने की ज़रूरत है। दूसरी बात, ये जो बुक है ये क्वेश्चन रिच है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। आपका जितना भी रियल का सिलेबस है, क्या नाम है, जैम का, वो सारा ये कवर करते हैं और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के क्वेश्चन देते हैं ये, ठीक है ना। तो आप ये बुक बिल्कुल रेफर कीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट बुक है वो है के रॉस की बुक आती है एलिमेंट्री एनालिसिस एंड थ्योरी ऑफ कैलकुलस। तो ये एनालिसिस के लिए मैंने आपको ये चार बुक्स बताई हैं। ये के रॉस की बुक जो है, जो डीयू वगैरह में बच्चे पढ़ते हैं उनको जो है ग्रेजुएशन में ही पढ़ाई जाती है यूजली, तो ये बुक भी बहुत अच्छी बुक है, ठीक है ना। इजी लैंग्वेज में लिखी है, आप साधारण भाषा में मतलब कहूँ तो आप समझ सकते हैं अपने आप बिना किसी की मदद के। तो ये चार बुक्स मैं एनालिसिस के लिए रेफर करूंगा। ये चारों बुक्स आप पढ़िए, इनके क्वेश्चंस कीजिए, इनकी थ्योरी के शॉर्ट नोट्स बनाइए, एग्जांपल्स समझिए, है ना। उसके बाद जो भी टॉपिक्स हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए, और ये आपके लिए जो है बहुत, मतलब बहुत हो जाएगा मतलब प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपका, क्योंकि आपके जैम में एक रियल एनालिसिस में मल्टी वेरिएबल कैलकुलस वाला पार्ट भी आता है, जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल के फंक्शन का कंटिन्यूटी और डिफरेंसिबिलिटी आप जो है ये सब चेक करते हो, है ना, पार्शियल डेरिवेटिव्स एंड ऑल। तो उसके लिए जो मुझे सबसे बेहतरीन बुक लगी है, जो आपके लेवल की है, जैम के लेवल की, वो है आपकी बुक अ कोर्स इन मल्टी वेरिएबल कैलकुलस एंड एनालिसिस। अगेन इस बुक के भी जो राइटर्स हैं वो आपके वही जो हमने आपको एक बुक बताया था रियल के लिए, सुधीर आर घोरपड़े एंड बालमोहन बी लिमाए। तो ये बुक बहुत ही बेहतरीन है, आप जो है इस बुक से पढ़िए। बहुत ही अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन इसमें दिए हैं, सॉल्व क्वेश्चन हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी जो है एकदम, आप ये समझ लो कि जो जैम में आए हैं ना, कई सारे क्वेश्चन तो आपको डिट्टो वही मिल जाएंगे जो जैम में आए हुए हैं। तो आप ये बुक डेफिनेटली फॉलो कीजिए, ठीक है ना, मल्टी वेरिएबल वाले पार्ट के लिए यू कैन फॉलो दिस बुक, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है मॉडर्न एलजेब्रा। तो मॉडर्न एलजेब्रा में जो सबसे पहली पुस्तक है आप, क्योंकि आपके सिलेबस में तो कुल ग्रुप थ्योरी है, सबसे पहली पुस्तक जो है वो गैलियन की है, कंटेम्प्रेरी एब्सट्रैक्ट एलजेब्रा। बहुत ही बेहतरीन बुक है, कोई ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो उसकी तारीफ ना करे, ठीक है ना। बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में है, बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। नेट पे इधर उधर कहीं ना कहीं आपको इसके सारे सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, हिंट सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। तो ये चीज़ जो है आप ये जो है बुक जरूर फॉलो कीजिए मॉडर्न एल्जेब्रा के लिए, पहली किताब मैं बता रहा हूँ। दूसरी किताब आपकी है एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा बाई डमिट फुटे। ये भी किताब जो डीयू के स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाई जाती है,
बाकी स्टूडेंट जो हैं ये बहुत ही अच्छी बुक है, आप इसको ले सकते हैं, आप इसको पढ़िए, क्योंकि आप देखो केवल जैम के लिए ही प्रिपेयर नहीं कर रहे होगे, जैम के बाद भी आपको जो है मॉडर्न अलजेब्रा में रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी वगैरह पढ़ना पड़ेगा, चाहे आपको एमएससी में पढ़ना पड़े, चाहे आपको आपके जो है नेट के गेट के एग्जाम में पढ़ना पड़े, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो आप ये दोनों बुक्स परचेज कर लीजिए और ये दोनों बुक्स से जो है आप अपना पढ़ाई कीजिए। वही शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, एग्जाम्पल समझने हैं, थ्योरी जो भी थ्योरम दी है उसके बेस पे एग्जाम्पल्स करने हैं और फिर पास्ट ईयर पेपर्स करने हैं उस टॉपिक्स के, ठीक है ना। यही पैटर्न आपको फॉलो करना है जो भी बुक बताई जा रही है। तो ये दो बुक्स आपकी हो गई मॉडल अलजेब्रा के लिए। उसके बाद जो है जो आपका सब्जेक्ट है वो है लीनियर अलजेब्रा, और लीनियर अलजेब्रा के लिए जो आपको सबसे पहली बुक जो आपको पढ़नी चाहिए वह है लीनियर अलजेब्रा डन राइट, ठीक है ना। ये बुक का टाइटल है और ये सच में डन राइट बुक है, बहुत अच्छे से लिखी गई है, बहुत कह दूँ कि मैं साधारण लैंग्वेज में है, सबको समझ में आ सकती है, तो आप ये बुक लीजिए। दूसरी बुक जो है आती है लीनियर अलजेब्रा फ्रिडबर्ग की, लीनियर अलजेब्रा बाय फ्रिडबर्ग, और ये जो है बुक डी वाले बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है ना। उनका थर्ड ईयर तक जो है ये बुक वो सारी लगभग ख़त्म कर लेते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा कह दो कि मतलब प्लस है ये पॉइंट, लेकिन आप ये बुक पढ़िए, बहुत ही अच्छी बुक है। तो ये आपका लीनियर का हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आपको जाता है वो आता है डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस ओडी है आपके सिलेबस में केवल, और ओडी पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय एस एल रॉस। तो वो किताब से आपके सारे जो जैम के जो भी सिलेबस में है वो सारे आपको मिल जाएंगे, आप वो कर सकते हैं। मैं डिफरेंशियल की बस एक ही बुक बताऊंगा आपको और बहुत सारी बुक्स नहीं बताऊंगा। उसके अलावा जो है अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है जिसमें आपका डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रल वाला टॉपिक है, जिसको आप कह सकते हैं वेक्टर कैलकुलस या कह दो कि मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में ही इंटीग्रेशन वाला पार्ट। तो अगर आपको मल्टी वेरिएबल कैलकुलस का थ्योरी समझना है अपने लिए, तो मैंने जो वो बुक बताई थी सुधीर आर घोरपड़े की, वो आप पढ़ सकते हो, जो आपको पहले बता चुका हूँ मैं। लेकिन आपका जो जैम है उसमें मल्टी वेरिएबल कैलकुलस का थ्योरी नहीं, क्वेश्चन आता है एकदम कि क्या नाम है डबल इंटीग्रेशन इस रीजन पे क्या होगा, डबल इंटीग्रेशन पोलर फॉर्म में, स्फेरिकल फॉर्म में, ट्रिपल इंटीग्रेशन पोलर स्फेरिकल फॉर्म, ये सब, ये जब सारा कुछ आता है इसके लिए आप जो है एक तो बुक ले सकते हैं एमजे श्रॉस की, ठीक है ना। एमजे श्रॉस आपका इंटीग्रल कैलकुलस का वो पोर्शन भी कवर करेगा जिसमें एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया वगैरह आपका सिंगल इंटीग्रेशन से कैलकुलेट करते हैं, डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रल, है ना, ये टॉपिक भी आपका एमजे श्रॉस में कवर हो जाएगा। और आपका जो है ये मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रल, है ना, गॉस थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ये सारा टॉपिक आपका एमजे श्रॉस की कैलकुलस में कवर हो जाएगा, कैलकुलस बाय एमजे श्रॉस। उसके बाद जो है एक और बुक है कैलकुलस के लिए या मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, मतलब इन्हीं टॉपिक्स के लिए जो मैंने आपको बताया, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रल, है ना, इन सब के लिए एक और भी बहुत अच्छी बुक आती है और वो है बेसिक मल्टी वेरिएबल कैलकुलस नाम से आती है एक बुक, बेसिक मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, जेई मार्सडेन करके राइटर हैं इनके, दो तीन राइटर्स हैं ये, जेई मार्सडेन में पहले राइटर का नाम ले रहा हूँ। तो ये बुक भी बहुत अच्छी है, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, थ्योरी भी इसमें इवन इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में दी हुई है, ठीक है ना। तो आप ये बुक जो है वो फॉलो कर सकते हैं अपने जैम के लिए। हर एक बुक को पढ़ने का तरीका वही है, आपको अपने टॉपिक टिक करने हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ आईआईटी जैम, देन आपको वो टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, फिर जो भी उसमें थ्योरम्स हैं उनके बेस पे एग्जांपल जो गिवन है उनको स्टडी करना है, समझना है कि कैसे अप्लाई हो रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि उन टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए मैं कोई बुक तो रेफर नहीं करूंगा आपको, लेकिन मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं जो आईआईटी जैम के प्रीवियस सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आपको देते हैं। आप अपने हिसाब से देखिएगा कि आपको कौन सी बुक लेनी है, लेकिन बुक जब भी आप कोई भी पढ़ें, जो भी जो ऑथोराइज राइटर्स हैं, कहने का मतलब जो ये जो मैंने अभी बुक्स बताई इनके अलावा अगर आप कोई बुक फॉलो कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ सॉल्यूशंस, तो आप ये जरूर ध्यान में रखें कि आप आंख बंद करके उनको नहीं पढ़ रहे होंगे कि मतलब जो भी लिखा है वो सब सत्य लिखा है। आप बिल्कुल उस पर जो है अपने लॉजिक्स लगाइए, हो सकता है उसमें कोई गलत सोल्यूशन हो तो आप उसको जो है मत मतलब पढ़िए कि आप वही सीख लो वहाँ से। तो अपना दिमाग खुला रखिए जब आप ये बुक्स पढ़ रहे हैं सोल्यूशंस वाली। आपको इंटरनेट पर भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो सोल्यूशन करके बैठे हैं, है ना, कि सारे सोल्यूशन ये कुछ लगा रहे हैं, बट आपको जो है उनके सोल्यूशन करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपको फ़ायदा तब होगा जब आप सोल्यूशन करना सीखोगे। किसी को सॉल्व करता हुआ देख के केवल नहीं सोल्यूशन होता है ना। तो वो लॉजिक्स जो आप सीखोगे अपने से पहले अप्लाई करने की कोशिश करो, सारे प्रीवियस ईयर अपने से सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आपसे नहीं हो रहे हैं तो कहीं देख लेना अपराध नहीं है, लेकिन आप पहले ही मत देख लो, ठीक है ना, नहीं तो फिर आप कुछ नहीं सीख पाओगे। तो बस इतना ही मैं आपको कहूँगा, थैंक यू वेरी मच।